स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो मैम सॉल्व करने जा रही हूं चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 4a² b² c². और गाइज, आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां हमें प्रूव करना है कि आप इस लेफ्ट को सॉल्व करके दिखा दो और आपका 4a² b² c² आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा है जो पहले यहाँ कॉमन निकल रहा है, या कॉलम रो को ऐड करके हम ऐसा है कि कुछ यहां से बाहर निकाल पा रहे हो। तो अगर मैं यहां देखो, यहाँ a है, a स्क्वायर है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी प्लस सी स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ तो मुझे तो यहाँ पे a² c² ac bc ऐसा कुछ बन रहा है, तो कॉमन जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं अगर यहाँ पे रो वाइज देखा, अभी कॉलम वाइज देखते हैं। तो अगर कॉलम को हम देखते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी है और यहाँ ए बी है ना। देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, और अगर मैं यहाँ से इसमें से ए को कॉमन ले लेती हूँ तो ये अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी बच जाएगा ना। तो देखो ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इसका मतलब यहां से मैं ए कॉमन ले सकती हूँ। डिटरमिनेंट में हम रो वाइज कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। फिर अगर मैं यहां देखती हूँ तो यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ अगर इन दोनों में से मैं बी कॉमन ले लेती हूँ तो यहां से भी मुझे बी बाहर मिल रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी, और यहाँ पे भी अगर मैं सी कॉमन ले लेती हूँ तो ये भी मुझे यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि कॉलम ए से मुझे, कॉलम वन से मुझे ए कॉमन मिल रहा है, कॉलम टू से मुझे बी कॉमन मिल रहा है, और कॉलम थ्री से मुझे सी कॉमन मिल रहा है। तो पहले जो हमें कॉमन दिख रहा है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो पहले वाले कॉलम से ए आया, दूसरे से बी आया, तीसरे से सी बाहर आ गया, है ना। तो लिख लेते ताकि आप नोट्स में इजिली देख पाओ, ठीक है। तो ये हमने बाहर लिख लिया, लिख दिया टेकिंग आउट कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम c1 c2 c3। यहां से ए बच गया, यहां से ए प्लस बी बचा, यहां से बी बचा, सेम यहां सी बचा, बी बचा, बी प्लस सी बचा, और यहां ए प्लस सी बचा, ए बचा और सी बचा, ठीक है। तो देखो हमने यहां से क्या कर दिया, एक ए बी सी तो क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब यहां पे क्या करें, अभी तो हमें 4 भी चाहिए और एक ए बी सी और चाहिए। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि हमें यहां से और कुछ कॉमन निकले। तो यहां पे देखो, अगर मैं इनको ऐड करती हूं तो यहां पे 2a + 2c हो जाएगा, या 2a + 2b हो जाएगा, यहां पे आपका 2b + 2c हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा 2 बाहर आ जाएगा ना ऐसा। तो फिर इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रो या कॉलम में हम 2 0 लेकर आते हैं ताकि हम एक्सपांड कर सके, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि अभी कुछ कॉमन जैसा तो मुझे यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है ना, ज्यादा ज्यादा 2 कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करती हूँ, 0 बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप यहां पे देखो, यहां ए है, यहां सी है, यहां ए प्लस सी है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये ए प्लस सी हो जाएंगे, इस ए प्लस सी को इस ए प्लस सी से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना, ये दिख रहा है। तो एक बार कॉमन ले लिया, अब हम यहां पर इसको क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सोल्व करने के लिए 0 बना रही हूं, तो मैं c1 कॉलम c1 में यहां पर चेंज कर रही हूं, क्या करें, c1 + हम c2 कर रहे हैं, यानी ए प्लस सी कर रहे हैं और -c3 में से इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड किया तो ए प्लस सी हो गया, ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां पे तो आपको 0 दिख गया है ना। फिर c1 + c2 क्या, ए प्लस बी प्लस बी, तो ये आपका a + 2b हो गया। ये देखो ए प्लस बी प्लस बी और -c3 तो -c, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2b आ गया। फिर इनको करो c1 + c2, ये दोनों ऐड होंगे, b + b + c और -c, ये वाला नेगेटिव जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2b आ गया, ठीक है। बाकी हमने c2 c3 में तो किच किया नहीं, तो ये आपके एज़ इट इज़ रहेंगे, c b b + c, फिर आपका ये a + c a और c आ गया। तो यहां से देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप चाहो तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2b, क्योंकि इसमें तो 0 है ना, यहां से आप 2b को बाहर ले सकते हो ना। या फिर हमें सिंपल यहां पे क्या दिख रहा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपके क्या दिख रहे हैं, 0 बनते हुए दिख रहे हैं ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 0 मेरा जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहां 0 नहीं दिख रहा है, यहां 0 नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, सिर्फ यहीं पर 0 मुझे यहां पर दिख रहा है। तो मैं यहां पर क्या करती हूँ, रो 2 में चेंज कर देती हूँ, मुझे क्योंकि 0 बनाना है तो रो 2 माइनस में रो 1 कर देती हूँ ना, ताकि ये 2b - 2b क्या हो गया, 0 हो गया। तो करो फिर ये ए बी सी हो गया, रो 1 हमारी एज इट इज 0 सी ए प्लस सी, रो 3 हमारी यहाँ पे एज इट इज वही 2b है, बी प्लस सी है और ये सी है। रो 2 में हमने चेंज किया, 2b - 2 रो 2 माइनस रो 3 क्या है ना, तो 2b - 2b 0। फिर ये b - b + c, तो b - b + c हो गया, तो ये क्या हो गया, b - b - c हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ये आपके माइनस का सी हो गया। फिर r2 - r3 कर रहे हैं तो ये आपका a - c हो गया। बस अब हमें 2 0 मिल गए, अब आप यहाँ पे एक्सपांड कर दो, किसके अलोंग एक्सपांड करेंगे हम, कॉलम 1 के अलोंग, लिखो एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1,
चलो करो एक्सपांड। तो ये आपका यहाँ पर हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर हम एक्सपांड करते हैं, जीरो के साथ जो भी करो मल्टीप्लाई में जीरो ही आएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, 2, 4, 6, 8 के साथ नेगेटिव साइन आता है। फिर प्लस आपका ये हो गया 2b, 2b साथ क्या हो गया, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, a माइनस सी को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू क्या हो गया, a माइनस सी हो गया। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर c इंटू a प्लस सी, तो ये भी यहाँ तो c इंटू a प्लस सी, बट ये c अकेला नहीं, इसमें माइनस है, ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी, तो ये हो गया, ठीक है, ये तो जीरो हो गए। अब यहां से क्या बचा, 2b आपका दिख रहा है, और ये अंदर सॉल्व कर लेते, ये 2b हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, a इंटू सी ए सी माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस ये भी आपका ए सी हो गया, ए सी प्लस का सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ए सी प्लस ए सी कितना हो गया, 2ac हो गया, तो ये बी सी आपका है, ये 2b यहाँ पे है ये, और यहाँ पे 2ac हो गया। तो सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, 2 2 4 abc हो गया, तो एक abc हमारे पास है, अंदर आपका 4abc हो गया, तो 4 तो चला जाएगा बाहर, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, c इंटू सी सी स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे मार्क्स जैसे आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से ज्यादा प्रॉपर्टीज को लगा करके और इसको सॉल्व करना, वही जीरो बना के डायरेक्ट आप एक्सपांड करोगे तो हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा फटाफट से सॉल्व हो जाता है कि भाई कैसे भी करके 2 जीरो बना करके इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको ए इनवर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको कहना है ए बी इनवर्स फाइंड करो, है ना। तो ए बी इनवर्स आपको मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ए बी इनवर्स जो होता है, यानी ए बी का होल इनवर्स जो होता है, वो बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ये मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि देखो ए इनवर्स से हमें ए निकालना अभी नहीं आता है ना, कि आप ए और बी का मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालो। अगर मुझे ए और बी दिया होता तो मैं ये डायरेक्ट निकाल सकती थी, ए बी का मल्टीप्लाई करती तो मुझे एक मैट्रिक्स यहाँ पे मिलती और मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला मुझे आता है, बट मुझे यहाँ पे ए ना देकर के ए इनवर्स दिया है और ए इनवर्स से ए निकालना मुझे नहीं आता है ना। तो इसीलिए आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो आपको ए इनवर्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब बी इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। तो हम बी इनवर्स भी निकाल लें, ए इनवर्स है ये, बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपको बी दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ यहाँ पे क्या निकालो, बी निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, किसी के भी अलोंग एक्सपांड कर दो, तो यहाँ पे जीरो है तो हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं, तो 1 एज इट इज आएगा, तो 1 आया तो ये छूट गया, ये छूट गया, 3 1 3 माइनस 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 बच गया। फिर इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और ये -1 एज इट इज है ना, तो इसके साथ ये आपका ये छूट गया और ये छूट गया, 2 1 2 और -2 × -2 4, तो 2 माइनस का 4 हो गया, है ना, ये दोनों तो प्लस के 4 हुए लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस है जो यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका यहाँ पे 0 0 के साथ कुछ भी लिखो 0 ही हो जाता है, 3 माइनस 0 क्या होता है 3, तो ये आपका 3 बच गया। फिर -, प्लस का क्या हो गया 1 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस का 2 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 3, प्लस माइनस 3 माइनस 2 यानी कि ये आपका 1 हो गया, और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो बी इनवर्स आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये हमें चेक करने का, डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी आपका बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। चलो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, बी डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाला, अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी आपको पता ही है कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, निकालो। तो देखो अभी इसके अलोंग हमने एक्सपांड किया ना, तो जो आपने ब्रैकेट में सॉल्व किया ना वही यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 के अलोंग क्या होगा, 3 1 3 माइनस 0, तो ये आपका 3 ही आएगा। फिर इसके अलोंग क्या होगा, ये छूट गया, 2 1 2 और ये 4, तो 2 माइनस 4 कितना हुआ, -2 आया ना, ये -2 ही आएगा, और यहाँ पे 0 था तो 2 0 0 तो 0 हो गया, फिर 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 2 6 और माइनस का 6, तो ये आपका -, प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 6 आ गया ना, ये तो यहीं से लिख दिया। अब देखो इस 2 के अलोंग ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दिया, -1 × 1, तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पे, -1 × 1 -1, और ये माइनस का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 के अलोंग ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 1 1 और ये 0, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, 1 ही आ गया। फिर इसके अलोंग ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 0 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं, -2 × -1 तो 2 हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस आता है, देखो 0 माइनस ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो -2 ही आएगा। फिर -2 के अलोंग ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -2 × -1, तो ये आपका प्लस का 2 हो गया, 3 0 0 -0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, फिर जीरो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस टू इंटू वन, तो माइनस का टू माइनस का जीरो, तो माइनस का टू ही रहा। फिर वन, वन के लॉन्ग ये सारा छोड़ दो, थ्री वन जा थ्री, माइनस टू, टू इंटू माइनस वन, तो माइनस का टू हो गया, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये आपका यहाँ पर फाइव हो गया। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम जब एडजॉइंट सारे कोफैक्टर्स निकालते, फिर इन चारों के साइन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाद में चेंज कर देते हैं, तो ये सारे आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, जो भी साइन है उनके साइन इंटरचेंज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आपके नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, चलो करो। अब आपने इसका ट्रांसपोज किया और आपका एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे बी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टू सिक्स, कॉलम आपकी कॉलम वन रो वन बन जाती है, थ्री टू सिक्स हो गया। कॉलम टू वन वन टू, तो ये आपका कॉलम टू बन गया। फिर टू टू फाइव, तो ये आपका यहाँ पे रो थ्री, कॉलम उठा के रो में रख दो, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी बन गया। नाउ बी इनवर्स फाइंड कर ले, तो बी इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है, वन है, और एडजॉइंट तो थ्री वन टू, टू वन टू, सिक्स टू फाइव हो गया। तो वन वन जा वन ही होता है, वन अंदर लेकर जाओगे तब भी आपका यही आएगा, तो बी इनवर्स यहाँ से आपका कितना आ गया, यही जो एडजॉइंट ऑफ बी है वही आपका है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है हमारा वन आ रहा, तो थ्री वन टू, टू वन फाइव, सिक्स टू फाइव हो गया। ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना, उसके पास चलते। हमें ए बी इनवर्स चाहिए था, तो उसको हमने बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा था। नाउ नाउ B इनवर्स A इनवर्स, तो यहां पे लिखो B इनवर्स कितना है, तो ये अभी हमने लिखा थ्री वन टू, टू वन फाइव, सिक्स टू फाइव, और A इनवर्स कितना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, थ्री माइनस फिफ्टीन फाइव, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा माइनस वन सिक्स, माइनस टू वन, माइनस फाइव, और ए टू। चलो करो मल्टीप्लाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम वन को उठा के रो वन बना दो, तो थ्री माइनस फिफ्टीन फाइव, चलो करो मल्टीप्लाई, तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव फिफ्टीन टू जा, तो माइनस थर्टी, माइनस है ना यहाँ पे, सिक्स फाइव जा थर्टी हो गया, थ्री वन जा थ्री, माइनस फिफ्टीन इंटू वन, माइनस का फिफ्टीन, और ये फाइव टू जा टेन हो गया, थ्री टू जा सिक्स हो गया, माइनस फिफ्टीन इंटू फाइव, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का फिफ्टीन इंटू, एक सेकेंड यहाँ कुछ गड़बड़ किया है, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ किया, यस यहाँ टू था ना, मैंने यहाँ पे फाइव लिख दिया, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का फिफ्टीन इंटू टू, तो ये आपका कितना हो गया, थर्टी हो गया, और फाइव फाइव जा ये आपका ट्वेंटी फाइव हो गया, इसका काम खत्म। नाउ अब किसका टर्न, अब कॉलम टू उठ के इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस का वन सिक्स, और ये माइनस का टू हो गया। चलो करो मल्टीप्लाई, थ्री इंटू माइनस वन, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस का थ्री, सिक्स टू जा ट्वेल्व, माइनस टू इंटू सिक्स, माइनस का ट्वेल्व, माइनस वन इंटू वन, माइनस वन, सिक्स वन जा सिक्स, माइनस टू इंटू टू, माइनस का फोर, माइनस वन इंटू टू, माइनस का टू, सिक्स टू जा आपका ट्वेल्व हो गया, माइनस का ये आपका टेन हो गया, फाइव इंटू माइनस टू हो गया, इसका भी टर्न हो गया खत्म। चलो इस वाले को भी हटा दो, अब किसका टर्न है, अब हमारी कॉलम थ्री उठ के जाएगी, तो वन माइनस फाइव और टू करो, तो थ्री वन जा थ्री, फिर माइनस फाइव इंटू टू, तो ये माइनस का आपका टेन हो गया, ठीक है, सिक्स इंटू टू, तो ये आपका ट्वेल्व, वन वन जा वन, माइनस फाइव इंटू वन, माइनस का फाइव, फिर टू टू जा फोर, वन टू जा टू, माइनस फाइव इंटू टू, माइनस का टेन, और फाइव टू जा आपका टेन हो गया, सॉल्व कर लो, तो ये आपका यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे देखो थर्टी से थर्टी कैंसिल हो गया, नाइन बज गया, फिफ्टीन में से टेन गया, माइनस का फाइव में से थ्री गया, तो माइनस का टू, माइनस के थर्टी में से ट्वेंटी गया, माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, तो ये आपका वन हो गया, ट्वेल्व में से ट्वेल्व गया, तो ये आपका माइनस थ्री बचा, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस फाइव हो गया, सिक्स में से फाइव गया, वन बचा, माइनस टू माइनस टेन, माइनस का ट्वेल्व, प्लस का ट्वेल्व, जीरो हो गया, फिर ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन में से टेन गया, तो आपका फाइव हो गया, फिर फोर प्लस वन फाइव, फाइव में से फाइव गया, तो जीरो हो गया, टेन से टेन कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू बच गया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, जो आपको कह रहा है वही आपको यहाँ पे फाइंड करना। अब नाउ नेक्स्ट हमारा एट क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एट में आपके टू पार्ट है, दोनों को आपको यहाँ वेरीफाई करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है,
एडजॉइंट ए का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है ना। तो लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले सिंपल सिंपल स्टेप्स कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडजॉइंट ए है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इनवर्स। तो हम ए इनवर्स और एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं ना। तो ए इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए हम बाद में निकाल देंगे, ये निकाल दिया और ये निकल गया तो ए इनवर्स भी साथ में आ जाएगा। तो किसी के भी अलोंग आप एक्सपांड कर दो, मैं यहाँ पे कॉलम वन के अलोंग एक्सपांड कर देती हूँ। तो आपको पता है इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, बाकी दोनों साथ पॉजिटिव आएगा। तो वन लिखा तो ये क्या हो जाएगा, फाइव थ्री जा 15 माइनस वन, तो ये 15 माइनस वन कितना हो गया, 14 हो गया। फिर यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन आएगा और ये माइनस टू है, माइनस टू ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस 10 माइनस वन। तो माइनस 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। फिर प्लस का वन, तो ये छूट गया, छूट गया, माइनस टू और ये थ्री वन जा थ्री, तो माइनस थ्री, फॉर्मूले का माइनस आएगा ना, तो माइनस टू माइनस थ्री, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का फाइव हो गया। इजी, तो ये आपका 14 हो गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या फिर इन दोनों को कर देते, ये तो माइनस ही रहने देते हैं। माइनस टू इंटू माइनस 11, तो प्लस का 22 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 5 वन जा 5 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 14 माइनस का 27 हो गया, 14 में से 27 गया तो आपका माइनस का 13 बचा, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट मींस आपका यहाँ पे ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे होनी चाहिए। चलो ए एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, अब एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, सारे जो भी हमारे यहाँ पे हैं एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए के, उनके को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो पहले वन ले लेते हैं, देखो इसके अलावा हमने एक्सपांड किया था ना, जो ये अंदर नंबर आ रहे हैं ना वो आप यहाँ पे एज इट इज लिख लो, वही आएंगे। ये 14 आएगा, ये आपका माइनस 11 आएगा और यहाँ पे ये माइनस 5 आएगा, हमने इन्हीं को तो सॉल्व किया था। अब यहाँ देखो माइनस 2 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस 10, अब इसको हम लिख लेते हैं माइनस 10, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 जा 1 हो गया। फिर ये ले लेते हैं, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो 5 माइनस का क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसके अलावा ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 1 जा 1 और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस 2 हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस 2 और माइनस 3 हो गया, तो माइनस 2 माइनस 3। फिर ये इसके अलावा ये छूट गया, ये छूट गया, 1 1 जा 1 और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस 2, फॉर्मूले का माइनस लगाते जाओ। फिर 5 ये छूट गया, ये छूट गया, 3 1 जा 3 और माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस का क्या हो गया, 4 हो गया। चलो करो अब यहाँ पे सॉल्व, तो ये तो आपका 14 हो गया, ये माइनस का 11 हो गया, देन आपका ये यहाँ पे माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 11 हो गया, 5 माइनस 1 आपका 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 2 आपका 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 3 5 हो गया, साइन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 2 आपका 3 हो गया, 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो गया। इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने से पहले आपको एक स्टेप याद है ना कि हमें यहाँ पे इन चारों के क्या करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं, यही काम करना होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमने कर दिया ना। तो हम ये शॉर्टकट तरीका लगा रहे हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे कर देते हैं। चलो अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनका ट्रांसपोज करो, कॉलम वन को उठा के रो वन बना दो, तो 14 11 माइनस का 5। फिर कॉलम टू को उठा के रो टू बना दो, तो यहाँ पे ये 11 4 और माइनस 3। कॉलम थ्री को उठा के रो थ्री बना दो, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हमारा यहाँ पे एडजॉइंट ए हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे इसे ए इनवर्स भी निकाल दिया, यही दो चीज हमें चाहिए थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम जो ब्रैकेट के हैं अंदर उनको पहले सॉल्व करें। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन ये क्या है, माइनस का 13, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ना, फॉर्मूला यही, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो माइनस का 13 और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो गया 14 11 माइनस 5, 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, ये निकाल दिया ना। अब इसको आगे हम बाद में देखेंगे, जितना कर सकते थे उतना हमने किया अभी, ठीक है। अब हम फिर से क्वेश्चन के पास जाते हैं, देखो इस चीज को समझना, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो यहां पे सोचो अगर मुझे ये मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है और आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, अगर ये मैट्रिक्स मुझे दी हुई है, लेफ्ट में कुछ भी बन, देखो ये मैट्रिक्स दी हुई है इसका इनवर्स निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, उनको डिवाइड करते हैं और इस तरह से हमारा यहाँ पे
इनवर्स आ जाता है। अब सेम यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में ये कहा कि आपने एडजॉइंट ए जो निकाला है, हमने एडजॉइंट ए कहाँ निकाला, ये ना, अब आप इसका इनवर्स फाइंड करोगे। तो एडजॉइंट ए एक्चुअल में है क्या, एक मैट्रिक्स ही तो है, जैसे ये ए मैट्रिक्स थी वैसे ही एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है, बस नाम ही तो अलग है। तो मैंने जैसे ए का इनवर्स निकाला था वही सारा प्रोसेस करके फॉर्मूला लगा के, तो सेम मुझे अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ये एडजॉइंट ए है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का वही फॉर्मूला, मैं इस मैट्रिक्स को कोई बी लेट कर लेती हूँ कि लेट ये मैट्रिक्स मेरी यहाँ पे क्या है, बी है, तो लेट हम यहाँ पे कर देते हैं बी जो है वो हमारा यहाँ पे एडजॉइंट ए के इक्वल है ना। तो बार बार एडजॉइंट ए नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे बी का इनवर्स निकालना, बी का इनवर्स निकालेंगे तो वो वहां पे इसका इनवर्स हो जाएगा। सिर्फ नाम हमने बदला है, बाकी कुछ भी काम नहीं किया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको कहेंगे एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालो तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन यही मैं कहूंगी कि ए का इनवर्स निकालो तो आप इजीली निकालोगे। सेम बी का इनवर्स निकालने के लिए कहेंगे तब भी आप यहां पे क्या कर दोगे, निकाल लोगे, है ना। तो ये मुझे इसका बी का इनवर्स निकालना है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स है तो बी का इनवर्स यहां पे क्या होगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसका मुझे फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर से इसका एडजॉइंट निकालना है, जो भी हमने ए के साथ किया वही हमें बी के साथ करना है, तो फिर हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये काम कर लेते हैं, इसका बाद में हम एडजॉइंट निकालेंगे, इसका तो सिर्फ हमें एडजॉइंट ही निकालना है, वो हम बाद में काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करो, क्या सॉल्व करें हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लेट किया है ना, ये ध्यान रखना, ये हमने इसको बी नाम दिया है ताकि आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओ, और बी को नाम दे करके हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, बिना नाम दिए भी कर सकते हो, पर नाम देने से और इजी हो जाएगा। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ पे किसी के भी अलोंग आप एक्सपांड कर दो, तो मैं कॉलम वन के अलोंग एक्सपांड कर देती हूँ, फिर मुझे एडजॉइंट बी भी तो निकालना है। तो कॉलम वन के अलोंग ये 14 आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस 4 और ये प्लस 9, तो माइनस 4 प्लस 9, लेकिन फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे आएगा। फिर इसके साथ नेगेटिव साइन आता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, 4, 6, 8 ये आपके क्या होते हैं, नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, तो माइनस का 11 हो गया। तो ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस 11 और ये प्लस का 15, तो ये क्या हुआ, माइनस 11 प्लस का 15, लेकिन फॉर्मूले का माइनस। फिर ये आपका क्या, माइनस 5 है, तो प्लस का साइन आएगा, तो मैं सीधा माइनस 5 कर देती हूँ, इसका खुद का साइन है ना। ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस 33 माइनस 20, तो माइनस 33 माइनस 20, फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे और आएगा, तो वो माइनस ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, 20। तो ये एक फॉर्मूले का माइनस, एक 20 का माइनस, दोनों माइनस मिलके यहाँ पे क्या बन गए आपके, 20 बन गए। अब इसको सॉल्व करो, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया, तो ये आपका 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 4 13 होता है, तो माइनस का 13 हो गया। फिर माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 26 हो गया। फिर माइनस का 5, 33 में से आपका 20 गया, तो 33 में से 20 गया, तो माइनस का कितना बच गया, 13 बच गया। करो मल्टीप्लाई, 14 इंटू माइनस का 13 कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो ये 182 आएगा, है ना। तो ये आपका आ गया माइनस का 182। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस आएगा, 11 इंटू 26, तो ये आपका 286 हो गया। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 5 जो कितना होता है, 65 होता है, तो ये हो गया माइनस का 182, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया 351 आ गया। 351 में से 182 गया, तो 169 बचा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे बी इनवर्स विल एग्जिस्ट, ये भी आप यहाँ का यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाला, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम निकालते हैं अब हमारा एडजॉइंट ऑफ बी, ताकि हमारा बी इनवर्स आ जाए। तो वही इनके कोफैक्टर्स निकालो, 14 मैंने यहाँ पे लिया, तो ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस 4। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ब्रैकेट वाले जो नंबर है ना, वो आप यहाँ पे एज इट इज लिख लो इसके लिए। तो ये माइनस का 13, हम दो दो बार क्यों कैलकुलेट करके अपना टाइम खराब करें, अभी हमने ऊपर कर दिया ना, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब इनके लिए करो, ये 11 हो गया, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीका लेती हूँ ताकि मेरे स्टेप्स ना बढ़े, मैं यही साइड में सॉल्व करती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ। अब 11 को लिया, ये छूट गया, ये छूट गया, तो माइनस 11 हो गया, और माइनस 5 इंटू माइनस 3, तो ये आपका यहाँ पे प्लस का 15 हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, माइनस का 26 हो गया। तो हमें बाद में एक साथ लिख देंगे, है ना, तो ये लिख दिया। फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको लिया, इसको छूट गया, ये छूट गया, 14 इंटू माइनस 1, माइनस का 14 हो गया, और 5 5 जा क्या हो गया आपका यहाँ पे, 25 हो गया, लेकिन प्लस का, तो प्लस का 25 है, लेकिन फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, है ना, माइनस का 39 हो गया। फिर इसको लेंगे, तो ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस का 14 इंटू माइनस 3, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का
42 हो गया, तो ये माइनस का 42 हो गया, ठीक है। अब ये करो, ये छूट गया, छूट गया, और ये माइनस का 55 हो गया, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस और आएगा, तो ये आपका यहाँ पे प्लस का 55 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, 55 में से आपका 42 चला गया, तो यहाँ पे से माइनस का आपका नहीं, प्लस का 13 बचा, ठीक है। तो ये तीन नंबर मेरे पास आ रहे हैं, कौन कौन से, 26 आ रहा है, माइनस का 26, माइनस का 39, और यहाँ पे आपका प्लस का 13। तो बस यहाँ पे सिंपली साइड में सॉल्व कर लिया, आप लिख लेते हैं माइनस का 26, माइनस का 39 और प्लस का 13। चलो इसके बाद आगे एक और कर लेते हैं, इसका देखो माइनस का 5, तो ये छूट गया, ये छूट गया, तो क्या आया आपका, इनका प्रोडक्ट 11 × 3, तो माइनस का 33, फिर माइनस 5 × 4, तो माइनस का 20 है, लेकिन फॉर्मूले का माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये आपका माइनस का 13 हो गया। फिर इसके अलॉन्ग ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 14 × -3, माइनस का 42 हो गया, और ये 11 × -5, तो माइनस का 55 हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये आपका यहां पर कितना हो गया, ये प्लस का 13 आ गया, ठीक है। फिर आगे यहां पे देखो प्लस का आएगा ना, यस, फिर उसके बाद में ये 1, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 14 × 4 तो 14 × 4 आपका 56 हो गया, फिर आपका 11 × 11 जाओ, तो ये आपका माइनस फॉर्मूले का 121 हो गया, तो ठीक है, 14 × 4 = 56, तो 121 में से आपका 56 गया, तो ये कितना बचा, 65 बचा, तो माइनस 13 और माइनस 65 आया, तो ये लिख लेते हैं, माइनस 13 माइनस का 65 आ रहा। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, लेकिन उससे पहले आपको पता है साइन चेंज करना है, 1, 2, 3, 4 के, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर लो अब यहाँ पे, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया, बी आ गया, तो ट्रांसपोज किया, ये कॉलम उठा के रो में रख दो, तो माइनस 13 26 माइनस का 13, फिर ये कॉलम उठा के इधर रख दो रो में, तो ये 26 माइनस का 39 माइनस का 13, फिर इस कॉलम को उठा के यहाँ पे रख दो, तो माइनस 13 माइनस 13 माइनस का 65 हो गया। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ क्या निकाला, बी निकाल दिया, और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाले। अब हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा बी इनवर्स, तो यहां से देखो बी इनवर्स यहां पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स यानी कि क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, यही तो है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए को ही तो हमने बी लिया था, तो यहां बी रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 upon 69 हो गया, और एडजॉइंट ऑफ बी, तो माइनस का 13 26 माइनस का 13 26 माइनस का 39 माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 65, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हुआ है, अभी हम इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो इसने क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये हमारी मैट्रिक्स है, अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, बट एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, पूरी एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, बाहर इस तरह से क्या होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए ना, क्या, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना आता है, बट ये मैट्रिक्स तो है, बट ये एक नंबर है और बाहर इसके प्रोडक्ट में, तो पहले क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाते, तो ये ए इनवर्स हो गया, माइनस का 1/13 अंदर जाएगा, तो देखो माइनस अंदर जाएगा तो पहले सबके साइन चेंज कर देगा, और 13 सब में डिवाइड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस का 14/13, ये पॉजिटिव है तो माइनस का 11/13, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 5/13 हो गया, है ना, यही हो रहा है। फिर आगे आप यहां पे देखो ये, तो ये आपका माइनस यहां आ जाएगा, तो माइनस का 11/13, फिर ये माइनस का 4/13, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 3/13 हो गया, ये नेगेटिव, ये सबको पॉजिटिव कर देगा, तो 5/13 3/13 1/13, ये हमारा यहां पे ए इनवर्स हो गया। अब इसका हम यहां पे निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, ठीक है, यहां तो आएगा नहीं, दूसरा पेज लेके आती हूँ रुको, ठीक है, तो ये पेपर में हम करते हैं, क्या निकालना हमें, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना, यही निकालना है, तो निकालो एडजॉइंट, तो आपको किसी, ये मैट्रिक्स चाहिए आपको, बाकी सबसे क्या मतलब है, तो ये छोड़ दिया, तो ये इसके अलॉन्ग निकालते, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, -4 × 1 तो माइनस का 4, डिनोमिनेटर 13 × 13 तो ये आपका 160 क्या हो गया, 9 हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 × 3 = 9 और डिनोमिनेटर सबके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका 169 ही आएगा। इसके अलावा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो -11 × 1 माइनस का 11/169 हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, अभी हमने इसको लिया ना, हाँ ये छूट गया, तो ये दोनों का हुआ, अब ये 5 × 3 = 15/169 हो गया, फिर इसके अलावा ये छूट गए, -11 × 3 तो ये आपका माइनस का 33/169 हो गया, और ये -4 × 5 माइनस का 20 तो माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 20/169 हो गया। चलो इसके अलॉन्ग ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो -11 × 1 तो माइनस का 11/169 हो गया, और 5 × 3 तो 15/169 हो गया, ये माइनस,
फिर ये हमने कर लिया, ये छोड़ दो, तो ये हो गया माइनस 14 इंटू वन, तो माइनस का 14 बाय 169, दिस इंटू दिस तो 25 बाय 169, बीच में माइनस, फिर ये सारा छूट गया, माइनस का 14 इंटू थ्री तो माइनस का 42 बाय 169 हो गया, और फिर आपका यहाँ पर ये इसके साथ में है ना, तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 11 इंटू फाइव, तो माइनस का 55 बाय 169 आएगा, लेकिन फॉर्मूले का माइनस मिलके उसको प्लस कर देगा। फिर नेक्स्ट देखो 5, तो ये 5 बाय 13 के लॉन्ग, ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये दिस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 33 बाय 169, फिर एक माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस, और 5 फोर 20 बाय कितना हो गया 169 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो ये, तो ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस का 14 इंटू थ्री तो माइनस का 42 बाय 169, और ये दोनों का, तो माइनस एक है ये, एक फॉर्मूले का माइनस प्लस, तो 55 बाय 169 हो गया। फिर आपका ये हो गया, ये छूट गया, छूट गया, तो 14 इंटू फोर तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है ना दोनों, तो ये प्लस का 56 बाय 169 हो गया। फिर अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस रहेगा, तो ये 121 बाय 169 हो गया ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, अदरवाइज आपका कोई इशू नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ से आपका कितना हो गया, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 प्लस 4 13, तो माइनस का 13 बाय 169, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका माइनस का 26 बाय 169 हो गया, ठीक है। फिर अगेन ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 13 बाय 169, फिर अगेन करो, ये माइनस का 26 बाय 169 हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 14, 5 प्लस 4 आपका 9, और ये 39, माइनस का 39 बाय 169 हो गया। फिर ये 55 में से आपका यहाँ पे 42 गया, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया 13 बाय 169, यहाँ पे माइनस का 13 बाय 169, यहाँ पे भी आपका प्लस का 13 बाय 169, और यहाँ पे ट्रांसपोज भी करना है, 121 में से 56 गया, तो माइनस का 65 बाय 169 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखो 13 से कैंसिल हो रहा है सारा, 13 वन जा 13, और ये आपका 13 13 जा, तो ये 1 बाय 13 हो गया, ये 2 बाय 13 हो गया, ये आपका 1 बाय 13 हो गया, ये आपका 2 बाय 13 हो गया, ये आपका 3 बाय 13 हो गया, ये 1 बाय 13 हो गया, फिर ये 1 बाय 13, 1 बाय 13, और ये 5 बाय 13 हो गया, है ना। अभी हमें साइन चेंज करना तो बाकी है, तो वो मैं बाद में करती हूँ। तो ये आपका कितना हो गया, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 2 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, फिर माइनस का 2 बाय 13, माइनस का 3 बाय 13, और ये 1 बाय 13, फिर ये माइनस का 1 बाय 13, 1 बाय 13, और ये माइनस का 5 बाय 13 हो गया। अब हम इसके चार के, किन चार के, 1 2 3 4 साइन चेंज करना नहीं भूलना है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, अच्छा ये गलत कर दिया ना, बीच वाला आएगा इसके, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब करो ट्रांसपोज, तो कॉलम वन को, रो वन, माइनस का 1 बाय 13, 2 बाय 13, 1 बाय 13, देन कॉलम टू, 2 बाय 13, माइनस का 3 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, इस कॉलम को लिया अभी, और माइनस का 5 बाय 13 हो गया। तो ये हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आया, और ये किसके इक्वल आना चाहिए था, इसके इक्वल, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आया, देखो इसके डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें कि यहाँ पे 169 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करोगे तो ये भी आपका वही आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 13, क्योंकि हमें इक्वल शो करना है, ये आपका 26 बाय 169, बाहर है मैट्रिक्स में सबके पास जाता है, तो माइनस का 13 बाय 169 हो गया सबके पास, 26 बाय 169 माइनस का 39 बाय 169 माइनस का 13 बाय 169 माइनस का 13 बाय 169 माइनस का 13 बाय 169 और ये माइनस का 65 बाय 169, तो करो यहाँ पे, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, 13 वन जा 13 और ये डिवाइड बाय 13, क्योंकि 13 के टेबल में यही आता है, फिर आपका ये 2 बाय 13 हो गया, ये आपका माइनस का 13, तो 1 बाय कितना हो गया 13 हो गया, फिर ये आपका 2 बाय 13 हो गया, माइनस का 3 बाय 13 हो गया, ये माइनस का 1 बाय 13 हो गया, फिर माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13 और ये माइनस का 5 बाय 13, तो देखो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ये देखो कंपेयर कर लो यहाँ पे, देखो दोनों आपस में क्या है, माइनस प्लस माइनस ठीक है, प्लस माइनस माइनस ठीक है, और तीनों माइनस ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड करके लिख लेते हैं,
ठीक है, तो थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लग गया लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया, कहां कहीं पे भी अब आप उससे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो। एट का सेकंड पार्ट क्या है, जो ए इनवर्स है उसका भी इनवर्स निकाल के आप शो करो कि वो इस ए के इक्वल आ रहा है ना। तो आधा काम तो हम कर चुके हैं, ए इनवर्स तो हम पहले से निकाल चुके हैं, अब इसका हमें फिर से क्या करना है, इनवर्स निकालना है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। अभी इनवर्स को भूल जाओ, हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने सी इसको लेट किया तो सी का इनवर्स निकालना, तो सी का इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी इनटू आपका एडजॉइंट ऑफ सी हो जाएगा ना। इसको भूल जाओ अभी, ये सी के इक्वल है और हमें इसका यहाँ पे इनवर्स निकालना है। चलो निकालो, पहले डिटरमिनेंट ऑफ सी निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी किसके इक्वल होगा, वही किसी के भी अलोंग एक्सपांड करो, हम सी वन के अलोंग इसको एक्सपांड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू निकाल रहे ना, तो माइनस का 14 बाय 13 एज इट इज रखा, तो ये रखा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या होगा, माइनस का 4 बाय 169, फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 9 बाय 169 हो गया। फिर इसके आगे माइनस का साइन आएगा, 11 बाय 13, ये छूट गया ये छूट गया, 11 इंटू 1 11 बाय 169, माइनस एक है ये, एक फॉर्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 5 3 15 बाय 169 हो गया। फिर आप यहाँ पे थर्ड लोगे तो ये 5 बाय 13 हो गया, तो यहाँ पे ये छूट जाएंगे, ये छूट गए ना, तो ये दोनों, तो माइनस का 11 33 बाय 169, एक माइनस एक फॉर्मूले का माइनस प्लस, 5 4 20 बाय 169 हो गया। चलो करो सॉल्व, माइनस का 14 बाय 13, माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर सेम ही तो ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 13 बाय 169 हो गया। फिर ये माइनस का 11 बाय 13, 15 प्लस 11 कितना हो गया, 26 बाय 169 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 बाय 13 प्लस माइनस, ये आपका माइनस का 13 बाय 169 हो गया। ठीक है, चलो कैंसिल कर दे, 13 से 13 कैंसिल, 13 से 26 टू टाइम कैंसिल, क्या 13 से 13 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस का 14 बाय 169, फिर ये माइनस का 11 टू 22 बाय 169, और सबके साथ माइनस आ रहा है, यस, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, एकदम यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यस हाँ, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस का 5 बाय 169, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेते हैं, और ये 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 27 हो गया, तो ये आपका 27 में से 14 गया, तो माइनस का 13 बाय 169, 13 में ये एक बार आया, ये 13 टाइम आया, तो ये माइनस का 1 बाय 13 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो सी इनवर्स विल एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा तभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये आपका आ गया, नाउ अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ सी, तो अभी एडजॉइंट तो मैंने आपको निकालना बता दिया ना पीछे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप वहां पे खुद से इसको सॉल्व कर लेना। तो एडजॉइंट ऑफ सी आपका यहाँ पर आ रहा है, बट ये देखो अभी हमने कैलकुलेट किया ना, ये वही तो है, ए इनवर्स क्या है हमारा, ए इनवर्स को मैंने सी लिया है, तो ये देखो सी लिया है, तो एडजॉइंट ऑफ सी तो हम वैसे भी निकाल चुके हैं, ये सारा लंबा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया था, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ सी ये लिख लेती हूँ, तो ये आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 1 बाय 13, 2 बाय 13, माइनस का हमने पहले कैलकुलेट किया, फर्स्ट पार्ट में इसको कैलकुलेट किया है ना, तो ये हो गया 2 बाय 13, माइनस का 3 बाय 13, माइनस का 1 बाय आपका 13 हो गया। फिर नेक्स्ट है माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 5 है। अगर आप नोट कर रहे हो तो देख लो, ये आपने एडजॉइंट सी अभी जस्ट निकाला था, ए इनवर्स को हमने सी लेट किया है ना, तो ये लंबा थोड़ा प्रोसीजर वापस नहीं किया, यहीं से कॉपी कर लिया। चलो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सी इनवर्स निकालना है, सी इनवर्स यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रहा, माइनस का 1 बाय 13 आ रहा है, और एडजॉइंट सी, तो एडजॉइंट सी की वैल्यू तो माइनस का 1 बाय 13, 2 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, 2 बाय 13, माइनस का 3 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 1 बाय 13, माइनस का 5 बाय 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये ब्रैकेट को मैं अभी एलसीडी कर रही हूँ, सी इनवर्स इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, जैसे ए डिवाइड बाय बी बाय सी है, तो ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो सी ऊपर चला जाता है, बी नीचे जाता है, तो सेम यहाँ पे भी होगा, 1 इंटू माइनस का 13 बाय 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना हो गया, माइनस का 13 आ गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका सेम है। अब जो हमारा मैट्रिक्स के बाहर होता है, क्योंकि हमें इसको क्या शो करना है, ए शो करना है, तो ए में तो कहीं कोई 13 है नहीं, ना बाहर कोई नंबर है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस के 13 को अंदर भेज देते हैं। तो आप जब माइनस के 13 को अंदर भेजोगे तो ये ऊपर सबके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो 13 बाय 1 है, 1 डिनोमिनेटर से हो रही न्यूमरेटर से, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 13 बाय क्या हो गया, 13 हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस, 13 टू 26 बाय आपका 13 हो गया।
फिर माइनस का ये प्लस, तो ये 13y आपका 13 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 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 प्लस, माइनस 26/13 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 13 से 13 कैंसिल होगा ना भैया, यही 13 × 3/13 हो गया। फिर ये यहाँ पे माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस 13/13 हो गया। फिर ये भी आपका 13/13 हो गया, और ये भी आप यू चाहो तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो ना, मल्टीप्लाई ना करो तो कॉमन भी निकाल सकते हो। तो ये आपका कितना हो गया 13/13, और ये 13 × 5/13, दोनों माइनस मिला के प्लस कर दिए, तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो सी इनवर्स कितना आ रहा है आपका, यहाँ से 1 आया, यहाँ से माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ से आपका 1 आ रहा है, यहाँ से 30 माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ से 13 कैंसिल, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से आपका 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से कैंसिल हो गया 5 आ रहा है। तो ये आपका सी इनवर्स हो गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें ना, तो ये देखो ए और ये सेम आ रहा है, 1 − 2 − 1, 1 − 2 − 1, −2 − 3 − 1, −2 − 3 − 1, −2 − 3 − 1, 1 − 1 − 5, है ना। तो ये आपका यहाँ पे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे हैंस ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो आपका यहाँ पर ए के इक्वल है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमें इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट करना मतलब इसकी क्या वैल्यू है वो हमें निकाल के बतानी है। तो ये एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, या तो आप सीधा इसको एक्सपांड कर दो या फिर आप प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करो। तो वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर्टीज लगा करके ही सॉल्व करो। सिंपल एक्सपांड तो आपका आता है, मैं प्रॉपर्टी लगा के ही बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्स प्लस वाई, अगर मैं कॉलम वन देखूं तब भी वही है और रो वन देखूं तब भी वही है, सेम सभी जगह सेम है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे एक टर्म यहाँ मिल जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, सारी रोज को यहाँ पे क्या करती हूँ, ऐड करें। तो रो वन में हम चेंज कर रहे हैं, रो वन प्लस रो टू प्लस। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पर भी आप यहाँ पे दो जीरो बना लो, है ना। तो देखो मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा कहीं पे जीरो नहीं बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ कॉमन ले लेती हूँ ताकि वन 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 आ जाए, क्योंकि जीरो बनाने का सबसे ईजी तरीका है कि यहाँ पे 3 1 1 आ जाए ताकि हम सब्ट्रैक्ट करके जीरो बना ले। यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, मोटिव रहता है। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब आप समझ गए होंगे ना। तो 1 1 1 बनाने के लिए हमें इसे कुछ कॉमन बनाना पड़ेगा जो यहाँ से बाहर आ जाए, तो इससे हमारा बन रहा है 2x + 2y, 2x + 2y, 2x + आपका यहाँ पे 2y बन रहा है। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू r1 + r2 + r3, तो x + x 2x, y + y 2y, तो 2x + 2y हो गया। सेम यहाँ पे भी 2x + 2y हो गया, 2x + 2y, और सेम यहाँ पे भी 2x + 2y हो गया, 2x + 2y हो गया, ठीक है। अब यहाँ को y x प्लस वाई जो बच गया वो लिख लेते हैं, x प्लस वाई एक्स एक्स वाई। तो ये देखो रो वन में से, ये जो हमारी रो वन है इसमें से कॉमन है, डिटरमिनेंट में ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2x + 2y तो हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 1 1 बचा, y x प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और y बचा। अब हमने 1 1 1 बना लिया, अब बहुत ईजी है, हम इजीली यहाँ पे जीरो बना सकते हैं। तो क्या करें, c1 − c2 कर दें, तो 1 − 1 जीरो हो जाएगा। तो c1 में हम चेंज कर रहे हैं, c1 − c2 कर रहे हैं ना। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2x + 2y हो गया। तो करो 1 − 1 जीरो, y − x − y, y से y कैंसिल हो गया, माइनस x बच गया, x + y − x, तो यहाँ से y बच गया। चलो ठीक है, हमने यहाँ लगा दिया, c1 में ऑपरेशन लगाया, c1 में चेंज होगा, c2 c3 यही रहेगा। तो हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, एक साथ एक और ऑपरेशन लगाते हैं, एक और जीरो बनाते हैं। तो c2 में हम चेंज कर रहे हैं, c2 − c3, है ना, c2 − c1 नहीं कर सकते क्योंकि c1 अब आपकी ये वाली काउंट होगी, है ना। तो इस तरह से, तो इन दोनों में हम कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। तो करो c2 − c3, 1 − 1 जीरो, x + y − x, तो ये y हो गया, ये आपका यहाँ पर x − y हो गया, और ये c3 तो आपका एज इट इज है। तो ऐसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं एक साथ ऑपरेशन लगा करके। बस यहाँ पे c1 में पहले लगा, तो c1 में कोई ऑपरेशन यहाँ पे वापस यहाँ c1 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये c1 अब काउंट नहीं होता है। चलो दो जीरो गए, अब आप एक्सपांड करो किसके अलॉन्ग। देखो रो वन में हमारे क्या है, दो जीरो आ गए, तो एक्सपांड कर लेते, एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो वन करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2x + 2y हो गया। ये जीरो प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये आपको पता ही है, ये चारों नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव। तो जीरो के साथ कुछ भी लिखो जीरो, फिर ये जीरो के साथ कुछ भी लिखो जीरो, फिर ये प्लस का वन, वन के साथ ये छूट गया, ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर,
माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, तो प्लस का एक्स वाई हो गया। फिर वाई इंटू वाई, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, लेकिन साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई हो गया। जब भी देखो ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, यहां से सिर्फ आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बचा। तो कभी भी जब हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो माइनस कभी भी स्क्वायर के साथ नहीं होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला मुझे यहाँ बनता दिख रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ, अदरवाइज अब यहाँ तक छोड़ दो तब भी राइट है, लेकिन फाइनल सॉल्व आपका पीछे जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो माइनस हमने यहाँ बाहर ले लिया, टू ले लिया, और ये आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, माइनस का टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है ना। ये हमने इवैल्यूएट करके दिखा दिया है ना, जितना सॉल्व करोगे अब इसके आगे कोई सॉल्व नहीं होगा है ना, यहां तक छोड़ दो, कोई नंबर भी काट सकता है। तो फॉर्मूलाज दिमाग में तो अपने आप आइडिया आपको लग जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो एट था उसने हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे तो हमारा काम इजी हो गया, ये पुराना क्वेश्चन था उसी तरीके से, बट यहाँ पे 111 हमें दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ करो कि 00 आ जाए। तो आप यहाँ पे देखो ये 11 है ना, ये 11 है और ये वाई वाई है। तो अगर मैं आर वन माइनस आर टू कर दूंगी तो मुझे एक ही बार में दो जीरो मिल रहे हैं ना, तो यहीं पे कर दे, आर वन में चेंज करते हैं आर वन माइनस आर टू कर दे ताकि मेरा जीरो बन जाए। जीरो बनने से क्या होता है, काम इजी हो जाता है। वन माइनस वन जीरो, फिर आर वन माइनस आर टू, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई होगा। तो क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का वाई बच गया और वाई माइनस वाई जीरो हो गया। एक ही बार में काम हो गया, वन एक्स प्लस वाई, आप चाहो तो आर वन माइनस आर थ्री भी कर सकते थे, एक्स माइनस एक्स हो जाता है ना। और यहाँ पे आपका वाई हो गया, ये वन है, ये एक्स है, ये आपका एक्स प्लस वाई। चलो एक्सपांड करो किसके अलाउंग, रो वन की, क्योंकि रो वन में दो जीरो हो गए। एक्सपांडिंग along row वन, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, इसके साथ माइनस का साइन आता है तो ये माइनस का साइन आ गया, ये छूट गया, ये छूट गया, एक्स प्लस वाई इंटू वन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस वाई इंटू वन वाई, और यहाँ पे जीरो के साथ तो जीरो हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये टर्म नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, तो ये क्या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का वाई हो गया, और अंदर वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे, एक्स बच गया। तो यानी कि इसका सोल्यूशन हमारे पास कितना आया, एक्स वाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, एक्स वाई, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इवेल्यूट करना था, मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज के साथ करो, डायरेक्ट एक्सपांड करो, बट प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन 10, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस।